Hello students, now let us see last topic of chapter number 5. In chapter number 5 data handling, we are going to learn about probability. First of all, let us see definition of probability. Probability is the measure of the chance of the happening of an event. आप बहुत सारे इवेंट समझ सकते हो, जैसे कि अगर मैं अभी आप आईपीएल देखते हो तो सबसे पहले ये तय होता है कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी, उसके लिए टॉस होता है। तो जब टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं, तब उस समय पे वो या तो टेल हो सकता है या हेड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि दो रिजल्ट हो सकते हैं, तो ये जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर मैं एक टीम में हूँ, कैप्टन हूँ और मैंने बोला हेड, तो जब वो अंपायर टॉस करते हैं और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट वो प्रोबेबिलिटी है, वो उसे बोलेंगे हम इवेंट, कि एक इवेंट है। आप अभी 25 मार्क्स की यूनिट टेस्ट दे रहे हो, तो यूनिट टेस्ट में मैंने अगर एक मैथ्स की टेस्ट की है 25 मार्क्स की, तो उसमें मेरे कितने मार्क्स हो सकते, 25 आउट ऑफ 25 भी हो सकते, जीरो भी हो सकते, 1, 2, 3। तो आप समझ सकते हो कि ये जो है एक इवेंट है, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी सत्यता क्या है, मेरे 25 में से 25 मार्क्स आने की सत्यता कितनी है, वो कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, तब हम उसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट, अ सिचुएशन इन्वॉल्व चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू द आउटकम मींस हियर आई शो यू दैट कॉइन, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें आउटकम कितने हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल, और कुछ आ नहीं सकता है। तो फिर दैट मींस कि हेड या टेल जो है वो उसका आउटकम होगा। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कभी कभी डाइस खेलते हो, डाई अगर आप एक बार थ्रो करते हो, एक ही डाई है और एक ही बार आप थ्रो कर रहे हो, तो उसके ऊपर नंबर आपको पता है, उसके ऊपर अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, फिर पीछे 4 है, यहाँ 5 है, 6। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार डाई को थ्रो कर रही हूं, तो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। दैट मीन्स टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है, 6। ऐसे तो हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज आउटकम, अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उसे हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, और उसमें कौन सा नंबर आ सकता है उसे हम बोलेंगे आउटकम। उसी तरह कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो उसमें हमें हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है, जो एक आउटकम है। नाउ इवेंट्स, टोटल इवेंट्स, अगर मैं कॉइन थ्रो कर रही हूं तो टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, हेड या टेल हो सकते हैं, यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। उसी तरह आप लोग कभी प्लेइंग कार्ड्स भी खेलते हो, जिसके अंदर 10 नंबर तक के पेजेस होते हैं, कार्ड्स होते हैं सॉरी, और 3 पिक्चर कार्ड्स होते हैं और 4 कलर के कार्ड्स होते हैं, तो 30 4 52 कार्ड्स आर देयर इन प्लेइंग कार्ड्स। फ्रॉम दिस 52 कार्ड्स, इफ आई एम टेकिंग 1 कार्ड रैंडमली, तो वो कार्ड कौन सा हो सकता है, उसका आउटकम क्या हो सकता है, या तो फिर हम ये बताएं कि वो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो टोटल आउटकम 52 हो सकते हैं, सारे कार्ड में से कोई भी एक कार्ड मेरे पास आ सकता है, तो उसे हम बोलेंगे इवेंट्स, कितनी टोटल इवेंट्स आ सकती है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप ये स्पिनिंग बोर्ड देख रहे हो,
जिसे अगर स्पिन करते हो तो उसका एरो जो है किसी एक जगह पे स्थिर हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ए ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमें ये लिखना है कि स्पिनिंग अ व्हील देन व्हाट विल बी द आउटकम्स। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, आउटकम्स ए बी सी या डी। नाउ इफ आई वांट probability to getting D, if I spin this once and I want to know probability of getting D, for that calculation of probability we are having a formula. Here you can see this formula, probability is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. Favorable means पर्टिकुलर जो भी इवेंट हमें चाहिए, जैसे कि मुझे डी चाहिए, यहाँ स्पिनिंग के बाद मेरे पास डी आनी चाहिए, ये जो है उसे हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। नाउ हियर वन मोर क्वेश्चन यू कैन सी, टॉसिंग टू कॉइंस टूगेदर। आई एम हैविंग टू कॉइंस, सपोज लेट अस टेक एज फर्स्ट कॉइन एंड दिस इज सेकेंड कॉइन, then what will be the outcome, total outcome. For that, suppose two coins I am tossing together at that time. In first coin I am getting head and in second coin I am getting tail. So H and T, H for head and T for tail. So in first I am getting head and in second I am getting tail. But suppose it may be that it is not possible that always I am getting head in first and tail in second. It may be that I am getting tail first and then head. Then second outcome is H E. Means for in first point I am getting tail and in second point I am getting head. Now it may be that if I am tossing two coins together and I am getting head in both the coin, so we can write as this outcome H. And again we can say that it may be that in both the coin I am getting tail, so T is also a outcome. So you can see that total outcomes are 1, 2, 3, and 4. So here we can write that total outcomes are is equal to 4. Now in question number 3, probability of getting a red apple. Here you can see a figure. In this total apples are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So we can say that total outcome is 7 and favorable outcome is red apple. So 1, 2, 3, and 4. 4 red apples are there. So we can say 4. So probability of event E, or we can write as red apple. So R also take. So 4/7. Now numbers 1 to 10 are written on separate slips and kept in a box, then well mixed, and then if we take a slip from this box, then what is the probability of getting a number 6? So here again we will write it, total outcomes are, total outcomes 1, 2, 3, 4. So 10 numbers are there. So 10 is the total outcomes. Getting a number 6. So event A. Suppose event A.
इज इक्वल टू गेटिंग अ नंबर सिक्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस सिक्स नंबर? वन ओनली, बिकॉज इन दिस बॉक्स ओनली वन सिक्स नंबर इज देयर. वन स्लिप ऑफ नंबर सिक्स इज देयर. सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, सॉरी टेन. वन इज द फेवरेबल आउटकम एंड टेन इज द टोटल आउटकम. सेकेंड क्वेश्चन इज गेटिंग अ नंबर लेस देन सिक्स. लेस देन सिक्स, सो हियर इवेंट बी गेटिंग अ नंबर लेस देन सिक्स. लेस देन सिक्स, सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव. फाइव आर द नंबर्स, दिस आर द नंबर्स दैट वी कैन से एज लेस देन सिक्स. सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम इज फाइव. सो हियर वी विल राइट दैट फेवरेबल outcomes is equal to 5. Therefore, probability of event B is equal to 5 divided by 10. And if 5 divided by 10, then 1 half. So, 1 half is the answer. Now, getting a number greater than 6. So, here we will write as event C. Getting a number greater than 6. And what are the number that greater than 6? They are 7, 8, 9 and 10. So, 4 numbers are there. So, here we can write that favorable outcomes are is equal to 4. Therefore, probability of event C is equal to 4 divided by 10. And if 4 divided by 10, then 2 twos are 4 and 2 fives are 10. 2 by 5 is its probability. Now, last question is getting a 1 digit number. 1 digit number means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 is 2 digit number. Therefore, here event D is equal to getting a 1 digit number. For that, is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Therefore, favorable outcomes are is 9. Therefore, probability of getting this event D is equal to 9 divided by 10. This is your answer. And question number 5 is very simple. So, you will try this question yourself. Now, in question number 3, spinning ball is there and probability of getting D. So, we have to find out probability of getting D. Here, you can write that total outcomes are, total outcomes 1, 2, 3, 4 and 5. So, 5. And favorable outcome is 1 only, because 1D is only written. So 1. Therefore, probability of this event is equal to 1 by 5. Favorable outcome divided by total outcome 5. In question number 2, once we throw a die and
वी आर गेटिंग अ प्राइम नंबर, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड आउटकम्स. सो हियर टोटल आउटकम्स इज 6. As you know, in a die, we are having 6 numbers. So, first, for that event, let us write an event A. Any of alphabet, you can take for any event. A to Z, any alphabet you can take. So, I am taking here event A is equal to a prime number. And you can see that 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In these numbers, we are having 2, 3 and 5 as prime numbers. So, we can write that favorable outcome is 1, 2 and 3. So, 3. Therefore, probability of getting event A is equal to 3 by 6 is equal to 1 mark. Now, second question is not a prime number. So, let us give this as event B. Named as event B. Event B is not a prime number. And for that not a prime number, we can write 1, 4 and 6. As you know, these are not a prime number. So, therefore, favorable outcome is, three. Therefore, probability of getting event B is 3 by 6 and that is 1 mark. So, here also we are getting 1 mark as probability. A number greater than 6, a number greater than 6, 5 is only 6. So, now let us give as event C. A number greater then 5 is 6 only. Therefore, favorable outcome is 1 only. Therefore, probability of getting event C is equal to 1 upon 6 is its answer. A number not greater than 5. So, let us give as event D is equal to a number not greater than 5 is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. That means favorable outcome are outcomes 1, 2, 3, 4 and 5. Therefore, probability of event D, probability of event D is equal to total favorable outcome is 5 and total outcome is 6. So, 5 by 6 is your answer.